सो गाइस, ये वैसे 5-6 दिन से मौसा के घर में है, ये उड़ ही नहीं सकता। सो गाइस, इसको रख देते हैं कहीं सांप या बिल्ली वगैरह पकड़ ना ले। ये पकड़ में ही नहीं आ रहा यार मेरे। आजा आजा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वैसे 10 डेज 10 ब्लॉग का चैलेंज तो ले चुका हूँ, एक दिन का ब्लॉग भी अपलोड कर दिया, और अभी रेगुलर पर डे एक नया ब्लॉग आ जाएगा। और मैं शाम के 6:45 को लाइव कर दूंगा, मतलब पब्लिक कर दूंगा ब्लॉग। 6:45 से आप लोग देखना, क्योंकि सुबह का ब्लॉग जब डालता हूँ देखता हूँ सुबह वाले ब्लॉग में रीच भी नहीं जाता, व्यूज़ भी नहीं जाता। और अभी तबीयत बहुत मस्त लग रहा है क्योंकि मौसी इतना ट्रीटमेंट कर रही है, तो क्या बोलूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी आज मैं अपने एक नया फ्रेंड से मिलवाने वाला हूँ, यहीं पर मौसी के घर पर ही, वो दिखाऊँगा। पहले मैं ब्रश वगैरह कर लूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ, बाकी मैं मिलता हूँ। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, और इंस्टा फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो फटाफट फॉलो कर लो। बाकी नए फ्रेंड से मिलवाता है, नए फ्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो बाकी ब्रेकफास्ट करते हैं अभी फटाफट। सो ऑलराइट गाइस, ये हो रहा है आज का ब्रेकफास्ट। वैसे कल रात को ही बना था, जैसा मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, पूड़ी और सब्जी, तो सुबह सुबह ही है। और खीरा, थोड़ा पेट ठंडा होगा क्योंकि मेरा पेट बहुत गर्म हो रहा है, तो पेट ठंडा होने के लिए। और मौसी बहुत कोशिश कर रही है, फिर कल परसों से मामा के घर में उधर फंक्शन है, मतलब अभी इतनी खुशियाँ एक साथ ही और मैं खुशियाँ ले नहीं पा रहा हूँ। बाकी ये मैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद लाली को थोड़ा धोना भी है और अपने न्यू फ्रेंड से भी मिलवाता हूँ, तो फटाफट पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। सॉलिड गाइस, अभी मैं रेडी हो गया हूँ, इसको लेके जा रहा हूँ बाल कटवाने, क्योंकि इसका बाल काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? श्राबणी दास। इसका बाल कटवाने, क्योंकि कल मामा के घर जाएंगे तो ये भी जाएगी, मौसी, हमारी फैमिली सब जाएंगे। बाकी चलो बाल काटते, चुलके काटे तो रेखाने चुलके काटे ओखाने, चल 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 तो गोट पी। सो ये चाबी ले रहा हूँ, और लाली देखो मझधार में फंस गई है यहाँ पे नेट में, तो चलते हैं फटाफट। बाकी देखते हैं आगे, बहुत काम है आगे, इसको साफ भी करना है यार पूरा, ये देखो गंदगी भर रखा है बिल्कुल। चलो एक बार यहाँ से निकलते हैं, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, ये मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रक वाला आया, पूरा कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया यार। अब जो भी गाड़ी वगैरह चलाते प्लीज़ ध्यान से देख के चलाओ यार, मतलब मैं तब से ना खड़ा हूँ, ये बस देख रहा हूँ, चढ़ा दिया और तुरंत स्पॉट डेड, उसके वो बैक के ऊपर से ही पूरा गाड़ी चला दी। और ये लोग रो रहे हैं सब, ये यहाँ पर एक कुत्ता है यहाँ पे, ये सब रो रहे हैं। सीरियसली यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, आराम से देख के चलाना चाहिए था उसको। जस्ट यार मूड ऑफ हो गया मेरा। अभी इसका हेयर कटिंग हो रहा है और बेबी कट करवा रही है, बाकी एक बार हेयर कट वगैरह हो जाए फिर घर की ओर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा काम है। और कल सुबह फिर अपने घर निकलना है, फिर मामा के घर, फिर दिवाली, भाई साहब इतना काम है मतलब मैं क्या ही बताऊं। और अभी डेली ब्लॉग का चैलेंज ऊपर से। चलो एक बार कटिंग हो जाए फिर घर जाके बात। गाइस, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मौसी बैठ के अभी रेडी हो रही है, और मौसी ने कपड़ा वगैरह पैक कर लिया क्योंकि मायके जाने की खुशी अलग सी है। और इसने कहा था 5 बजे बुलाने के लिए, उसका ट्यूशन वगैरह कुछ है, तो मौसी ने जल्दी बुला लिया। और देखो वैसे चुड़ैल बन के बैठी हुई है। अरे शकल तो दिखा दे, शकल नहीं दिखा रही है। वैसे इसका मैंने एक बार बुराई किया था, वो रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में, तब ये शकल दिखाना पसंद नहीं कर रही है। बाकी अपने एक फ्रेंड से मिलवाता हूँ, देखो वो वहाँ है मेरी न्यू फ्रेंड, चलो मैं मिलवाता हूँ उससे। ये देखो गाइस, नया फ्रेंड, ये कबूतर वैसे है
जाता नहीं है, इसको थोड़ा सा एक्सीडेंट में चोट लग गया था। एक बार इसको मैं ना ऊपर से निकालता हूँ, मतलब उतार देता हूँ। आजा, ऐसे नहीं आएगा, ये डर के मारे बैठा हुआ है, इसको उतारना पड़ेगा पहले। आई आ गया 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 आ गया। सो गाइस, ये वैसे 5-6 दिन से मौसा के घर में है, ये उड़ ही नहीं सकता। एक्चुअली इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये देख रहे हो ना, इसका ये पंख टूट चुका है तो वो उड़ नहीं पा रहे, तो घर पर ही रहता है। इसको वहाँ पे रखते हैं, वो सनसेट में चढ़ा के रखते हैं आराम से बिल्कुल, ताकि सांप या बिल्ली वगैरह इसका शिकार ना कर ले। उसके बाद इसको बिस्किट पानी वगैरह, मतलब बच्चे की तरह पाला जा रहा है 5-6 दिन से। और मौसा अगर शाम को आएंगे ना तो बिस्किट वगैरह देंगे, वो मैं दिखाऊँगा। आ जा, आजा 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 आजा। इसको देखो, घर का रास्ता बताया, घर की ओर भागेगा जैसे भगाऊंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। ये अभी मस्त घूम रहा है शाम को, वैसे उड़ नहीं पा रहा है, लेकिन सही है। ऐसे ही अबला जीप को पालना तो अच्छी बात है और उनका ख्याल रखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह सुबह जो डॉग एक्सीडेंट देखा ना, बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा। और ये देखो, लास्ट ब्लॉग में वेजिटेबल्स की बात कर रहा था ना, ये भी एक तरह का वेजिटेबल्स है। यहाँ पे ये भिंडी के पेड़ सारा, और ये बैंगन के, और ये आम केला, मतलब यही इतना कुछ है, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स। अभी ठंड में और होता है, गर्मी में वैसे ज़्यादा वेजिटेबल्स उगता नहीं है। ठंड में पूरा सबके घर में ही हरियाली रहता है, गाँव में जितने सारे घर हैं ना, सबके घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। Something about you feels so different. Yeah, you. So guys, इसको रख देते हैं, कहीं सांप या बिल्ली वगैरह पकड़ ना ले। ये पकड़ में ही नहीं आ रहा यार मेरे। आजा आजा। बेइज्जती करवा रहा है मेरे ब्लॉग में। अभी झोल बना दूंगा रात को इसका मैं। झोल बना दूंगा इसका मैं, चल। और इसका ये घर है, जा भाई। मेरे नया फ्रेंड को तो मैंने वहां पे रख दिया अपने जगह पे, लेकिन बेइज्जती करवा दिया यार। 25-26 सेकंड के क्लिप में मतलब पकड़ में ही नहीं आ रहा था, और मुझे और डर लग रहा था। वैसे पंख टूट चुका है, उससे थोड़ा जोर जबरदस्ती पकड़ता तो दिक्कत हो जाती है। बाकी अभी देखो कहाँ खेल रहा है, वेट। ये देखो, ये कॉर्नर में जाके बैठ गया, वहाँ पे खेल रहा है। उसका यहाँ से लेकर, एक सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घूमता रहता है उधर, और उस साइड खाना वगैरह का पूरा कटोरी वगैरह है उसका अलग से। बाकी गाइस, अभी मौसा कह रहे थे शाम को कहीं निकलेंगे, और शाम को हम लोग निकलेंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे मस्त। बाकी मौसा अगर आ जाए एक बार घर, और फिर शाम से हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और इसको देखो, चुड़ैल बोला था तो बाल सही करने लग गई। ये भी अभी क्लास जाएगी। बाकी शाम से ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, एक बार मार्केट जाता हूँ तब निकल के ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। तो लड़ गए, सभी मार्केट में आ गए, और मौसा जी कुछ ले रहे हैं घर के लिए, कुछ सामान, घर का भी नहीं है एक्चुअली, उनका काम का कुछ सामान ले रहे हैं। और हम लोग वहाँ पे सोच रहे हैं, वो आलू दम और मूढ़ी बेच रहा है, वो खाएंगे क्योंकि मुझे भी लगी है भूख। और आलू दम घर के लिए भी पैक करके लेके जाएंगे, रोटी वगैरह जो भी बनेगा वो डिनर में बन जाएगा, फिर और ज़्यादा सब्जी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसी दिन भर बहुत काम किया, सब अपना कपड़े वपड़े पैक किया। कल मामा के घर जा रहे हैं सब, मम्मी भी जाएगी, मौसी भी जाएगी, बाकी मौसा का काम हो जाए, फिर जाके वहाँ पर कुछ खाते हैं। सो गाइस, फाइनली मौसा और मैं खाना खाने आ गए, प्याज वगैरह मिला के मस्त बिल्कुल दे रहा है, उसके बाद एक मसाला टाइप का दे रहा है, और स्पून, सॉरी, ये नींबू दिया, उसके बाद स्पून वगैरह देके अब शार्प करेगा। और मस्त लगता है यार, 10-15 रुपए लेता है, लेकिन लगता मस्त है खाने में। ये देखो पूरा आ गया, और क्वांटिटी भी सही देता है, कल वाले चाउमीन से तो क्वांटिटी अच्छा दिया। और 2 दिन से मौसा और मैं बहुत खा रहे, रोज़ रोज़ बहुत घूम रहे और बहुत खा रहे। सो गाइस, मैं बॉयल्ड एग भी ऐड करवा लिया, और मौसा ने भी ऐड करवा लिया, बाकी घर के लिए पैक हो गया, तो ये फटाफट ख़त्म करते हैं, उसके बाद घर जाएंगे।
सो लाइट गाइस, अभी जस्ट मार्केट से घर आए मैं और मौसा जी, और आलू की सब्जी लेके आ गए क्योंकि वही डिनर हो जाएगा, उसके साथ रोटी या मुड़मुड़ा वगैरह खा लेंगे। बाकी सुबह कल फिर मामा के घर जाना है, पहले मैं यहाँ से पहले मैं इसको लेके अपने घर जाऊंगा, फिर मम्मी को वहाँ से पिक करना है, फिर हम दोनों मतलब मम्मी मैं और ये तीनों मिलकर जाएंगे मामा के घर, क्योंकि मामा के घर में फंक्शन वगैरह है, वो सब मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाना। सो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।